आगरा में फतेहाबाद पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें फिरौती की मांग पूरी न होने पर स्वीट हाउस के मालिक को गोली मारने जा रहे गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के थाना फतेहाबाद व क्राइम ब्रांच की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां स्वीट हाउस के मालिक से फिरौती की मांग पूरी न होने पर उसे गोली मारने जा रहे दो बदमाशों को समय रहते ही गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, बताते चले, पंगूरिया स्वीट हाउस के मालिक सुभाष चंद्र ने पुलिस को बताया कि तारा उर्फ करैया गैंग ने उनकी दुकान में आकर उससे फिरौती की मांग की। फिरौती न देने पर दुकान मालिक से कहा कि उनसे आकर मिलो, नहीं तो वह उसे जान से मार देंगे। इसी संबंध में व्यापारी ने फतेहाबाद थाने में इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने एक टीम गठित की, जहां पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तारा और सरैया गैंग के दो लोग स्वीट हाउस के मालिक को गोली मारने के इरादे से निबोरा की तरफ से आ रहे हैं, यदि जल्दी की जाए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बताते चले, सूचना पाते ही पुलिस टीम निहोरा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के आंगी तिराहा पर पहुंच गई, जहां योजना के जरिए अलग अलग टीम बनाकर सभी लोग छुप कर खड़े हो गए। कुछ देर बाद दो व्यक्ति वहां आते दिखाई दिए, जिसमें एक पंगोरिया के संबंध में मारने की बात कर रहा था। वहीं पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों ओर से घेरते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक 15 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस व मेमोरी कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। एक सूचना पुलिस की मिली थी, एक व्यापारी है सुभाष चंद्र, उनका दुकान में दो चिट्ठी मिली है, हमको पैसे दो अदरवाइज आपका गोली मारेंगे इस तरह का। अब उस पर उस घटना का पुलिस ने जांच किया, जांच में निकल के आया ये तारा उर्फ तरिया, ये राजा कड़क राणा वाला मुलजिम है, ये बहुत बड़ा अपराधी है, ये पहले भी कई बार जेल जा चुका, अभी वर्तमान में भरतपुर जेल में बंद है। उनका माध्यम से दो लड़के की उन्होंने फ़ोन करके इस तरह का मैसेज दिया है, दो लड़के के नाम है हरिंदर नट और एक संजय, ये दोनों लड़के ने एक चिट्ठी लिख के उस सुभाष चंद्र का दुकान में जाकर डाला था, इस तरह का पैसा इतना रुपया दे दो अदरवाइज आपको गोली मारेंगे। अब इसी घटना में पुलिस ने जांच में पूरा जांच करा के और दोनों लड़के गिरफ्तार किया, हरिंदर और संजय के गिरफ्तार किया पुलिस ने, गिरफ्तार करके उन्होंने इंट्रोगेशन किया और उसको पूरा घटना का खुलासा हुआ। घटना में पता चला वो तारा और तरिया वो जेल से सुभाष चंद्र के लिए बार बार धमकी भी पहले भी देते रहता था, इसके पहले भी एक साल पहले भी उन्होंने घटना किया था, उनके ऊपर गोली भी चलाया था, उसके भी मुकदमा लगा, उसमें भी वो जेल में बंद था। और इस बार दोबारा इस तरह का उन्होंने हरकत किया है और जो मुलजिम लोग है उन्होंने पूरा कन्फेस किया और जेल से इनके साथ मोबाइल से बात करता था, मुलजिम लोग जो दो लड़के मौके पर आके चिट्ठी गिट्टी लिख के भेजे उनको धमकी देता उसका उनका चिट्ठी लिखता था और उन लोग मोबाइल से बात हुआ, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन मोबाइल कब्जे में ले लिया, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस, उनका बातों का कोई रिकॉर्डिंग वगैरह किया, उसका इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हम लोग और साथ साथ तारा का भी इसके मुलजिम बनाया है हम लोगों ने। और ये जो वर्तमान मुलजिम है हरिंदर और संजय, ये दोनों लोग ऑलरेडी जेल भी जा चुका है, एक आदमी ऑलरेडी 302 में जेल गया है, वो हरिंदर ने एक बार जेल गया है 302 में, दूसरा एक चोरी में जेल गया है। ये पूरा टीम इसका पूरा काम करके हमारा एडिशनल एसपी रूरल ईस्ट का नेतृत्व में एक पूरा केस खुलासा किया पुलिस ने। वो तो उनको तो पैसा लगभग 10 लाख रुपया का मांगने का डिमांड था। इसके अलावा कोई गैंग चलाता था या और भी सदस्य हैं इसमें, कहाँ कहाँ ये गैंग संचालित थी, किस तरीके से काम करते थे? ये तारा और तरिया है, ये हर बार नया नया लड़के की जोड़ता था, ये कई बार ऑलरेडी इनके ऊपर 7-8 मौका, हमेशा इनका काम है रंगदारी मांगना है। ये जेल से रहते भी इस तरह का धमकी दे के फायरिंग करा के नए लड़के की जोड़ के सूचना दे के घटना कराना इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है। अभी पहली बार हमारा कार्यक्रम में इसका आया अभी सूचना, अभी इसका हम लगा हुआ पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, उसका पूरा गैंग नेटवर्क का पूरा हम ट्रेस करवा रहा हूँ, हमारा एसपी ईस्ट का माध्यम से नेतृत्व में ये पूरा गैंग हम लोग साफ करेंगे, जो भी इस तरह का काम करता है उनके खिलाफ सख्ती से पुलिस काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं पूरा पुराना मुकदमा का सबका मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उस मुकदमा में कितना भी इनका सजा हुआ, कितना भी इस मुकदमा में ट्रायल हुआ है उसका सब हम निकालेंगे, उसका आधार कानून जल्दी से जल्दी उसको कोर्ट में भी उनका सजा दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे, जल्दी से उसका मतलब सख्ती से कार्रवाई हम लोग करेंगे। आगरा से दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B pharma, M pharma, BSc, BTech, MTech and polytechnic diploma.
कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in एड्रेस थांड्रा विलेज झांसी रोड शिवपुरी।